शिवपुरी के सिरसों थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक घर में पुराने पटाखे रखे हुए थे। बताया जा रहा है कि उसी के ऊपर बिजली के तार मौजूद थे, जिसे शॉर्ट सर्किट हो गया, जिसकी वजह से पटाखों में आग लग गई और घर में मौजूद तीन लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भर्ती कराए गए लोगों में एक लगभग 5 साल का बच्चा बताया जा रहा है, तो वहीं एक महिला और एक पुरुष भी है। घायल हुए लोगों की हालत अब स्थिर बताई जा रही है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? सलमा खान। तो ये पटाखे का जो मामला आया है, कैसे क्या हुआ ये? ऐसा हुआ, अगले साल दिवाली का सामान रखा था, तार था, तार से चिंगारी गिरी और आग लगी। बस नहीं, शॉर्ट सर्किट हो गया, लेकिन किसने, मतलब बच्चा बता रहे हैं कि बच्चा कोई था वहाँ पे? हाँ, बच्चा था। तो बच्चा क्या कर रहा था? उसने पानी लेने गया था। पानी लेने गया था तो वहीं पे पिछले अनार वगैरह थे? लगभग कितने लोग घायल हुए? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।